हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। ऐसे ही भैया 2 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आएगा, तो जो भी स्टूडेंट इस पूरे पेपर को सॉल्व करके जाएगा वो 100 में 99 लेकर आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट, आज का जो पेपर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट 2024, आपका पेपर कोड भी यहां पर लिखा रहेगा, जैसे 316 ईजी या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का रहेगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको 2024 में क्लास 12 का पेपर देना है तो इस पेपर को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने एक भी मिनट मिस किया तो 5 से 10 नंबर आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में उठाए जाते हैं, और इन पेपर्स को मैं सर्च करके लाता हूं आपके पास ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सकें, उसके बारे में जान सकें। और अगर आप वीडियो को ही लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। और ऐसा ही नहीं, इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ भी बताऊंगा, यानी कि पूरे पेपर का आंसर भी मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखो, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, कुछ निर्देश। फर्स्ट है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी और डी। तीसरा है, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन, सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने लिखा गया। देखिए, आपका पेपर 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा जो कि 15 नंबर का होगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा 20 नंबर का, सेक्शन सी आपका ग्रामर होगा 25 नंबर का, और सेक्शन डी आपका लिटरेचर होगा 40 नंबर का। टोटल जोड़ो तो कितना आएगा, 100 नंबर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या आएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ आपको करना क्या है, देखो रीडिंग सेक्शन में क्या करना है, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। देखो, यहां से लेकर यहां तक आपको एक पैसेज दिया गया है, क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड एंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस क्वेश्चन, आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके नीचे भैया ए बी सी डी ई करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दो, 15 नंबर ले जाओ, और इन सारे क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में मिलेगा। सबसे मजे की बात तो यही है कि जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर इसमें मिलेगा। एक बार मैं पैसेज को पढ़ देता हूं थोड़ा हिंदी मीनिंग के साथ, ठीक है। देखो, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी कि मनुष्य का जीवन उसके द्वारा नंबर ऑफ डेज, जिए गए दिनों, मंथ्स यानी कि महीनों, एंड ईयर और सालों, दैट ही हैड लिव्ड, जो उसने जिया है, यानी कि मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जा सकता, बट बाई डीड्स ही हैज डन एंड बाई द अचीवमेंट ही हैज मेड, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसके उपलब्धियों द्वारा मापा जाता है, ठीक है, उसके द्वारा अर्जित उपलब्धियों द्वारा मापा जाता है। व्हाट द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा का नहीं बल्कि अनुभव की गुणवत्ता का है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। आगे देखिए, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट इन ट्राइवियल परस्यूट्स, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि नेक प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक के लंबे जीवन की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। मेरे कहने का मतलब है, और इस पैसेज के कहने का मतलब है, कि छोटा जीवन हो लेकिन अच्छे से आप जिए, और बहुत बड़ा जीवन हो आपने तुच्छ तरीके से जीवन को जिया है तो वो बेकार है। वही यहां पे कहा गया कि नेक प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए 100 वर्ष से अधिक लंबे जीवन की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है छोटा जीवन, ठीक है। आगे देखिए, बी लिव इन डीड्स
नॉट इन ईयर, यानी कि हम वर्षों में नहीं कर्मों में जीते हैं। देखिए बी लिव, हम जीते हैं इन डीड्स कर्मों में, नॉट इन ईयर्स वर्षों में नहीं, हम वर्षों में नहीं भाई कर्मों में जीते हैं। नॉबल डीड्स स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि नेक कार्य, देखिए नॉबल डीड्स नेक कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज शानदार विचार एंड फाइन सेंटीमेंट्स और बढ़िया भावनाएं कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी, वो निर्माण करती हैं वास्तविक महिमा का ऑफ कैरेक्टर चरित्र की एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, और ना कि किसी व्यक्ति की दुनिया में रहने की अवधि की लंबाई। मतलब नेक कार्य शानदार विचार और बढ़िया भावनाएं चरित्र की वास्तविकता वास्तविक महिमा का निर्माण करती हैं, ना कि किसी व्यक्ति की दुनिया में रहने की अवधि की लंबाई। ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जी ले लेकिन उसने अगर अच्छे कार्य नहीं किए हैं, और कोई व्यक्ति बहुत कम जिया और उसने नेक कार्य किए भाई, तो कम जो जिया है उसका जीवन अच्छा है। ठीक है, अब क्वेश्चन है नीचे, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, यानी कि मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। भाई यहां पे सीधा सीधा आंसर दिया गया है, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर्स ऑफ डेज। तो यहां से लेकर आप लोग लिख दीजिए थोड़ा सा यहां तक, ठीक है, आपका नंबर कंप्लीट, तीन नंबर फिक्स है आपका, यहां से लेकर यहां तक लिख दो। देखो, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैड मेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्टर लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ, अभी मैंने बताया कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है भैया। तो देखिए यहां पे लिखा है, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स फॉर मोर वैल्यूएबल देन ये 100 ईयर स्पेंड इन ट्रिवियल पर्स्यूट्स। यहां तक लिख दीजिए, काम खत्म। यहां से यहां तक लिख दोगे, नंबर पूरा मिल जाएगा तीनों का। मतलब आपसे यही पूछा गया था कि क्या अधिक मूल्यवान और छोटा जीवन, मतलब क्या अच्छा है, अधिक मूल्यवान जीवन या फिर जो दूसरा जीवन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सी व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, यानी कि मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य को जीवन में जो है, मतलब वो नेक विचार उसके होने चाहिए, जितना ज्यादा नेक विचार होगा, ठीक है, और उसको वर्षों में नहीं कर्मों में जीना चाहिए। यही शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से लेकर थोड़ा लिख देंगे, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। आगे देखिए, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि कैरेक्टर को ग्लोरियस कौन बनाती है। तो यहां से लिख दीजिए, नोबल डीड्स स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम। यहां तक लिख देंगे भैया, नंबर पूरा मिल जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजों का इसी में तो दिया गया आंसर। ई देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, इस पैसेज में किसका मतलब इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व। ठीक है, तो भैया यहां पे देखिए सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब भी महत्व ही होता है, देखो वही चीज। ई देखिए दूसरा, व्हाट द मीन्ट बाय नोबल एंडेवर्स, यानी कि नोबल नेक प्रयासों से क्या तात्पर्य है, तो नेक प्रयास का मतलब नोबल नोबल डीड्स, यानी कि नेक कार्य। तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडीड एंड इनडीड, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनडीड जो है ये रियल वर्क होता है। तो आपको ये वोकैबुलरी दे रहेंगे, तीन नंबर भैया, 15 नंबर कंप्लीट। मतलब आपको पैसेज दिया गया, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, आंसर दे दो, ढूंढ ढूंढ कर लिख सकते हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है, ट्वेल्थ में पहुंच चुके हो, अब इतना माइंडसेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी पे आते हैं, इसमें देखिए लेटर और आर्टिकल, 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग, 10 नंबर का लेटर राइटिंग, भैया ये 20 नंबर का रहेगा। और इसमें मैं यही कहूंगा, देखो हमने आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करें, क्लास 12 इंग्लिश की मैराथन क्लासेस, पूरा इंग्लिश एक वीडियो में, मैंने आपको इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखी वो भी बताया, उसमें मैंने सारी चीजें बताई है, कैसे आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, कैसे लेटर्स लिखने हैं, जाकर देखो क्या कर रहे हो। ठीक है, अब तो जाग जाओ प्रभु, क्योंकि समय आ गया है आपके इम्तिहान का। दूसरा देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि आप तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखो 100 से 150 वर्ड में। जैसे रीडिंग बुक्स ये प्लेजर, यानी कि किताबें पढ़ना एक आनंद है भाई, आनंद तो है ही। बी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाएं। सी हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए। तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है, जिसका आपको पता है फटाफट लिख दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो आपको पता है कैसे आर्टिकल लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सर्च करो यूट्यूब पे, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, ऐसा कोई बना नहीं जिसको मैंने पढ़ाया नहीं।
तीसरा मतलब जे टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा। तीसरा राइट ये आर्टिकल टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी, यानी कि विलेज, यानी कि अपने शहर गांव की स्वच्छता के बारे में किसी स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ये एडिटर लेटर है, मतलब आपके गांव में आपके शहर में बहुत ज्यादा गंदगी है, उसकी सफाई के लिए आपको समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। नहीं पता तो और लगा है, पत्र लिखने का तरीका समझ लो भाई, आर्टिकल और पत्र दोनों अगर लिखने का तरीका आपको आ गया, आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर देखिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। ये आपका कंप्लेन लेटर रहेगा, मतलब अपने महाविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी का शिकायत करते हुए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। दोनों में से जिस टॉपिक पर आप पत्र लिख सकते हैं यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेक्शन सी पे आते हैं भैया, 20 नंबर इसका भी कंप्लीट, 35 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मैंने एक ही वीडियो में भी पढ़ा रखा है, जाकर देखो, ढूंढोगे तभी तो मिलेगा, बिना पढ़े बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। सेक्शन सी ग्रामर, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का मतलब रहेगा 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले है, वन हु टेक द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, यानी कि आपसे कहा जाए जो किसी चीज का सकारात्मक पक्ष लेता है उसे क्या कहा जाता है। भैया ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो फर्स्ट है ब्राइटन, सेकंड है ब्राइटोन, थर्ड है ऑप्टिमिस्ट, फोर्थ है पेसिमिस्ट। तो इसको कहा जाता है भैया ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। जो व्यक्ति किसी चीज का सकारात्मक पक्ष लेगा उसको हम वन वर्ड में आशावादी बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट। हो गया काम। ऐसे ही आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये तो भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। आगे देखते हैं क्या है। देखो ये है हमारा आइडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो द फ्रेज रन डाउन मींस, रन डाउन जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है हमारा रनिंग फ्रॉम ये हिल टॉप टू द फुट ऑफ ये हिल, यानी कि किसी पहाड़ी की चोटी से पहाड़ी की तलहटी तक दौड़ना। सेकंड है रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि किसी भवन की शीर्ष मंजिल जो टॉप फ्लोर होता है और जो भूतल तल होता है ग्राउंड फ्लोर वहां तक चलना। तीसरा टू बी इन पुअर हेल्थ, यानी कि टू बी पुअर, स्वास्थ्य खराब होना। और चौथा है टू बी अनेबल टू रन, यानी कि दौड़ने में असमर्थ होना। भैया रन डाउन का मतलब होता है टू बी अनेबल, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, टू बी इन पुअर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य खराब होना, ठीक है, रन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या होगा। फ्रैंक का मतलब होता है अस्पष्टवादी, तो इसका सिनोनिम, सिनोनिम्स का मतलब इसका जो अर्थ है वही उसका भी अर्थ होगा। देखो फर्स्ट है पुलिस, सेकंड है वाइड स्पोकन, थर्ड है सेमलेस, फोर्थ है कैंडिड। भैया कैंडिड होगा, फ्रैंक का मतलब भी स्पष्टवादी, कैंडिड का मतलब भी होता है अस्पष्टवादी, तो फोर्थ पर फटाफट टिक करो, लिखो डी। आई प्रीफर ये पेन देन ये पेंसिल, इसमें क्या गलती है, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, सिंटैक्स है ये। देखिए भैया आई प्रीफर ये पेन टू ये पेंसिल, देन में गलती है, देन नहीं रहेगा, थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, इसमें गलती है। सी देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ नॉलेज इज, ज्ञान का एंटोनिम क्या होता है, नॉलेज, जल्दी बताओ। फर्स्ट है एजुकेशन, ये तो सिनोनिम्स हो गया। दूसरा इंडिफरेंस, थर्ड इग्नोरेंस, फोर्थ है नोइंग। तो भैया इग्नोरेंस होता है, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, तो ज्ञान का सिनोनिम्स जो होगा वो अज्ञानता ही होगा, बस हो गया, ठीक है। तो ये आपका था 5 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्टिंग के आते हैं, 2 नंबर के, 10 नंबर आपका कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आएंगे भैया जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन है, इनकी तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसमें सबसे 5वां क्वेश्चन है, चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर का भैया फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, यानी कि उसने मुझसे कहा तुमने कल क्या किया। इसको आप लोग इनडायरेक्ट में बदलो, जल्दी बताओ। देखो व्हाट लगा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, डिड लगा है भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो ही हमने लिख दिया, इंट्रोगेटिव अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है तो भैया सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखते हैं, ही asked me, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आपका व्हाट आया है, डायरेक्टली व्हाट को लिख देंगे, व्हाट, ठीक है। अब यहां पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है यू, यू बदलेगा मी से, क्योंकि यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से मी के लिए, हम सब्जेक्टिव पेज केस आई का यूज करेंगे। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड लेते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का हो जाएगा, डन, डन द
और क्या हो जाएगा, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, इसको लिख देंगे द प्रीवियस डे, ठीक है, बस हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, समझ में आ गया। दूसरा देखो भैया, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, हाउ आर यू, कैसे हो आप, आप कैसे हो। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि यहां पे आपके रिपोर्टेड स्पीच में दो दो सेंटेंस दिए गए, एक तो गुड मॉर्निंग है भैया, तो गुड मॉर्निंग जो आपका है यहां पे आपका इच्छा जताई जा रही है, तो ये आपका उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। बाकी आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव है, हाउ आर यू ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो दोनों के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखो पहले हम ही लिखेंगे, यहां पे गुड मॉर्निंग है तो बिस्ट लिख देंगे, ही बिस्ट हिज फ्रेंड, ठीक है, ही बिस्ट हिज फ्रेंड। अब गुड मॉर्निंग आपको डायरेक्टली लिख देना है, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, लेकिन भैया हम हाउ आर यू को नहीं छोड़ सकते तो एंड लगा देंगे, एंड हाउ है आगे, ये इंट्रोगेटिव है तो इसके लिए हम आस्क्ड का यूज करेंगे, एंड आस्क्ड, ठीक है, हाउ को हाउ ही रहने देंगे, यू बदलेगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड तो इसके लिए ही लगाएंगे, ठीक है, हाउ ही, और यहां पे इज आर यू है तो इसको वाचवर्ब में बदल देंगे, इस प्रकार से बदला जाएगा। ही बिस्ट लिख दीजिएगा, ही बिस्ट हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, और आपका इंट्रोगेटिव भी था तो एंड आस्क्ड हाउ ही वॉच, बस हो गया, ठीक। अब बी वाला देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन का मतलब क्या होगा, यह अवश्य किया जाना चाहिए, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, यानी कि कीमत को नहीं गिना जाता है, ठीक है, ये अवश्य किया जाना चाहिए, कीमत को नहीं गिना जाता है, इनटू ये सिंपल सेंटेंस, आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो लिख दीजिए इट मस्ट बी, इट मस्ट बी डन, डन एट एनी कॉस्ट, यानी कि ये किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए, ऊपर था ये किसी भी कीमत पर होना चाहिए, मूल्य यानी कि कॉस्ट नहीं गिना जाता है, तो नीचे है इट मस्ट बी डन एनी एट एनी कॉस्ट, यानी कि ये किसी भी कीमत पर होना चाहिए, आपने डायलॉग सुना होगा, मुझे किसी भी कीमत पर ला कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, यानी कि वो बहुत ज्यादा थका था, ही कुड नॉट रन, वो दौड़ नहीं सका, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलो, कैसे बदलोगे, सीधा सीधा लिख दो ही वाज सो टायर्ड, सो टायर्ड दैट लिखेंगे ही कुड नॉट रन, ही कुड नॉट रन, ठीक है, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बस हो गया, ठीक है, ये आपका सिंथेसिस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ट्रांसफॉर्म करना, यू कैन सॉल्व इट, तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, पैसिव वॉइस में बदलो, कैसे बदलोगे, तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, कौन, तुम, ये सब्जेक्ट हो गया, किसे, इसे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो भैया इट को हम पहले लिखेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। कैन है हमारा, कैन को हम कैन ही रहने देंगे, लेकिन इसके साथ हम बी लगाएंगे, इट कैन बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे बाई यू, इट कैन बी सॉल्व बाई यू, काम खत्म, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड मतलब उनकी महिमा कभी फीकी नहीं पड़ सकती, जो हमारे भगवान है ऊपर वाले, ठीक है, इनकी महिमा कभी फीकी नहीं पड़ सकती, इसको आपको बदलना किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आप लिखेंगे व्हेन कैन, व्हेन कैन, देखिए मीनिंग ना बदले, व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड, ग्लोरी फेड यानी कि कब इनकी महिमा फीकी पड़ सकती है, नीचे था आपका क्वेश्चन था कि उनकी महिमा फीकी नहीं पड़ सकती, नीचे है कब उनकी महिमा फीकी पड़ सकती है, दोनों का मीनिंग सेम है बट मैंने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, यही है भैया ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो, ये सिंटैक्स है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, यानी कि आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, मैं ऐसा करते करते थक गया हूं, इसमें गलती क्या है, इन के जगह पर सिर्फ आपको कर देना है ऑफ, इन के जगह पर आपको कर देना है भैया ऑफ, यानी कि आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, इन नहीं रहेगा, तो ये सिंटैक्स का फर्स्ट है, लिख देंगे सिंटैक्स, ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है,
ऑफ डूइंग दिस, ये होगा ऑफ लगा दीजिए, काम खत्म। गलतियां सिंटैक्स में क्या होता है, हम गलती होती है उसको सही करते हैं, इसमें गलती थोड़ी सी थी सही कर दिया। दूसरा डेथ इज प्रिफरेबल देन और डिसऑनर, यानी कि अपमान से तो मृत्यु बेहतर है भैया, अपमान ना हो मृत्यु हो जाए, ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए। दूसरा इसमें गलती क्या है, देखो यहां पे डेथ इज प्रिफरेबल देन डिसऑनर, यहां पे प्रिफरेबल के साथ हम टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे, यही गलती है। तो यहां पे लिखेंगे डेथ, डेथ इज प्रिफरेबल, ठीक है, प्रिफरेबल टू डिसऑनर, टू डिसऑनर, डिसऑनर, ठीक है, ये आपका हो गया भैया। तो ये सिंटैक्स था। इसके बाद में डी वाला है, देखो ई वाला, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। भाई यहां पे देखो क्या है, दो क्वेश्चन दिए गए, सबसे पहला ऑनरेरी और ऑनरेबल, इसको आपको क्या करना है, इसको सेंटेंस में यूज करना है ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके। इस ऑनरेरी का मतलब क्या होता है जानना जरूरी है, मानद, मानद होता है, तो इसको आप लोग लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कैसे करेंगे लिख दो, मैं बोल रहा हूं माई फादर इज एन ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्कूल, यानी कि मेरे पिताजी इस विद्यालय के मानद अध्यक्ष हैं। ऐसे ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है सम्माननीय, सम्माननीय, तो लिख दो यहां पर भी ही इज एन ऑनरेबल मैन, वो एक सम्माननीय व्यक्ति है, बस हो गया। ऐसे दूसरा अंपायर, अंपायर का मतलब क्या होता है, जैसे एक अंपायर होता है, ठीक है, इस अंपायर का मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है, अंपायर का मतलब होता है साम्राज्य, तो आप लिख दीजिए इसका एन अंपायर मेक्स श्योर दैट द, इस अंपायर का मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस अंपायर का मतलब होता है जो अंपायर्स होते हैं हमारे क्रिकेट्स में या किसी भी खेल में, तो ये वो वाले अंपायर है भैया, ठीक है, तो इस अंपायर का लिखिए एन अंपायर मेक्स श्योर दैट द प्लेयर्स ओबे द रूल्स, यानी कि ऐसा एक अंपायर ये सुनिश्चित करता है कि खिलाड़ी नियमों का पालन करे। इस अंपायर, इंपायर का मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, इट इज सैड एट द सन नेबर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो ये आपका हो गया भैया होमोफोन्स, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू इंग्लिश, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे से गांव में हुआ था, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, हिंदी तथा उर्दू भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे कुशल थे, उनके उपन्यास में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है, उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे, कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को उसके साथ पढ़ते थे। भैया ये ऐसे पढ़ के नहीं छोड़ देना है, इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, आप अगर टेंस अच्छे से पढ़े तो बहुत ही इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, इसको ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, फ्री के नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये 25 नंबर का हमारा ग्रामर सेक्शन होगा, मैंने पूरा सॉल्यूशन देने का प्रयास किया और सॉल्यूशन तो मैं देता हूं ही, साथ साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुका हूं, सिर्फ आपको देखना है उन सबको, ठीक है, अगर नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए सेक्शन डी लिटरेचर पे आते हैं, लिटरेचर जो हमारा सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपके प्रोज के 15 नंबर के क्वेश्चन, पोएट्री के 10 और सप्लीमेंट्री के 15 नंबर, टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन डी लिटरेचर। सबसे पहले प्रोज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जैसे देखो आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, लगभग 40 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है, दो क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपको मिलेगा। ए देखिए, Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? यानी कि M. Hamel ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराया और क्यों? ठीक है, पता है तो कीजिए, हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, द लास्ट लेसन चैप्टर से, नहीं पता तो और लगा है। What was the importance of garbage for children in Simapuri? यानी कि सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या महत्व था? भाई उनके लिए कूड़ा करकट ही सब कुछ था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सर्च करो जल्दी से, अगर आपको पढ़ना है, आप अगर ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बैठिए मत, क्योंकि अब समय नहीं है, सर्च करो द लास्ट लेसन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर अभी वीडियो मिल जाएगा, पढ़ना अगर है तो ध्यान से पढ़िए, जो भी काम कीजिए अच्छे से कीजिए, नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी,
व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि डगलस जी को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेन करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया, पता है तो कीजिए। ये हमारे डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है, तो व्हाट लगा है। और व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विलियमसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडला विलियमसन को फेरी वाले से कौन सा क्रिसमस उपहार मिला, ये हमारे द राइट ट्रिप चैप्टर का क्वेश्चन है। एंड दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर इंग्लिश, ठीक है, द राइट ट्रिप। अब दो सॉल्ट हो गए भैया, आठ नंबर का ऑप्शन भी आपके पास है, दोनों में से एक करना है। आठवां क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा सात नंबर, मतलब प्रोज में हमारे दो शॉर्ट एक लॉन्ग रहेंगे, पंद्रह नंबर मिलेगा भाई, ठीक है, आठ उसका सात इसका। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज द वर्ड 80 वर्ड, लगभग आपको 80 शब्द में लिखना होगा। ए देखिए, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, पता है कीजिए, नहीं तो दूसरा कीजिए, दोनों में से एक ही करना है। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय किया, भाई सीखेगा, तैरना सीखेगा वो, यही सब करेगा, ठीक है। नाइन नंबर पोएट्री पे आते हैं, पोएट्री में छह नंबर का स्टैंजा, चार नंबर का सेंट्रल आइडिया, दस नंबर का ये भी रहेगा। देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको इस एक्सट्रैक्ट को केयरफुली पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ए थिंग का ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस एंड सी स्लीप फुल ऑफ शुड ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। ये किस चैप्टर का है, ए थिंग का ब्यूटी का, इसके नीचे तीन क्वेश्चन है, इसी का आंसर दो, नंबर ले जाओ। देखो, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ये थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की अनुभूति जो है, इसमें क्वेश्चन आपसे जो किया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहना है इनका कि कभी किसी सुंदर वस्तु के बारे में क्या महसूस करता है, ठीक है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आप खुद को पता है। 10 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया राइट है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइंग, चार नंबर, माय मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट आंट जेनिफर टाइगर, जो भी आप में है उसको कीजिए, शायद इस चैप्टर को रिमूव किया गया कि नहीं आप खुद बताइएगा, जो चैप्टर आप में है उसको पढ़िएगा। मैंने बताया है तीन सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माय मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट एंड ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों को पढ़ो, काम खत्म। 11 नंबर अब सप्लीमेंट्री पे आते हैं, ये भी 15 नंबर का रहेगा, प्रोज की तरह इसका प्रोसेस है, 8 नंबर सॉल्ट 7 नंबर लॉन्ग। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हेयर वाज इट सिचुएटेड, यानी कि थर्ड लेवल कहां था और मतलब थर्ड लेवल क्या था और ये कहां स्थित था, ठीक है, पता है तो कीजिए, थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है आपको, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया और लगा है। व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका पहुंचकर लेखक को क्या एहसास हुआ, दोनों में से जो पता है कीजिए, बी है, हाउ डिड डॉक्टर सदायो ऑपरेट द व्हाइट मैन, यानी कि डॉक्टर सदायो ने व्हाइट मैन का ऑपरेशन कैसे किया, भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नहीं पता और लगा है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि ज्योतिषी ने बाघ राजा की मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी टाइगर किंग के बारे में, पता है कीजिए, 8 नंबर, 12 नंबर द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, भैया ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। देखो, ए व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका पर क्या है, हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स, यानी कि वहां कभी कभी सन्नाटा कैसे टूट जाता है, नहीं पता, दूसरा कीजिए, हु वाज द विजार्ड, जादूगर कौन था, हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक, वो जादू कैसे करता, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर यहां पे फिनिश हो गया, सेक्शन डी आपका 40 नंबर का टोटल रहेगा, मैंने बताया 15 नंबर प्रोज, 10 नंबर पोएट्री और 15 नंबर सप्लीमेंट्री, 15 30 एंड 10 40 नंबर का पूरा पेपर। और अगर पूरे पेपर की बात की जाए लेखा जोखा, तो आपका कितना, 15 नंबर सेक्शन ए का, 20 नंबर सेक्शन बी, 25 नंबर सेक्शन डी, सॉरी सेक्शन सी, और 40 नंबर सेक्शन डी, टोटल 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। मैंने आपको पूरा प्रयास किया कि आप अच्छे से पेपर को समझें, पूरा मैंने आपको ज्यादातर आंसर भी बताया ताकि आपका पेपर प्रिपेयर हो सके और जो आने वाला पेपर है उसमें आप हल्ला बोल के आए और आपकी बार टॉपर बनकर आए। टेंशन मत लो, जितनी भी चीजें मैंने बताई है सारी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं और रेगुलर पढ़ाता रहता हूं और जब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक आप लोग टॉपर नहीं बन जाते। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।